बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको माश की दाल और मेथी ये बनाना सिखाऊंगी और दूसरा कि देखना कैसे बनती है। मैं शुरू करती हूँ। देखो, मैंने एक कप तकरीबन एक कप ही है मैंने घी डाल देंगे। ये तो प्याज दरमियाने ये मैं डाल रही हूँ। थोड़ा सा ये एक टमाटर है, मैं टमाटर डाल दूँ। लहसुन अदरक कटे चम्मच चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक, ये पौना चम्मच कुटी हुई मिर्च। अब इसको मैं अच्छी तरह भूनूंगी। चम्मच साबुत धनिया और मैंने थोड़ा सा भी कूट दिया। देखो मसाला अच्छी तरह भून गया और मैं अब मेथी डालने लगी हूँ। ये देखो, ये एक पाया मेथी, बिल्कुल फ्रेश मेथी। इसको थोड़ा सा मैं भूनूंगी और उसके बाद अब मैं मेथी को काफ़ी मैंने भून लिया। अब मैं ये डाल रही हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मज़ेदार। और इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये माश की दाल ये मैंने पाई आधी, ये देखो कितनी अच्छी फूल के हो गई। आपको ना अच्छी तरह धोना है, पत्थर वगैरह भी होते हैं, अच्छी तरह पत्थर वगैरह सारे पहले साफ करके दाल फिर अच्छी तरह धोना। ये पांच मिर्चें भी मैं डाल रही हूँ, ये ना मुझे बहुत अच्छी लगती है जिसमें माश की दाल में, ये खूबसूरती वास्ते होती है। आप डालना चाहें तो डाल सकती हैं, नहीं डालना चाहें तो नहीं डाल सकती, लेकिन खूबसूरती वास्ते अच्छी होती है। और किसी को मिर्च कम लगे वो इसको मसल के खा भी सकता है और खाने वाली चीज़ है। ये आधा कप मैं पानी लगाऊँ, आधा कप ज़्यादा नहीं, बस ये देखें। ये ना इतनी गली होगी ना इतनी कच्ची होगी, मज़ेदार भुनी भुनी दाल वही मुझे अच्छी लगी, ज़्यादा गली हुई भी नहीं अच्छी लगती, मलैदा सा बन जाती है, बिल्कुल बच्चे पसंद नहीं करते खाने। मैंने थोड़ा सा चुटकी सा नमक और डाला, बहुत कम था, और मैं इसको दम पे लगा रही हूँ। ये पाँच मिनट दम लगे। हो गए,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो कितनी अच्छी गल है। फिर मसाला डाल रहे हैं और एक साबुत इलायची थी और तीन चार लौंग, पांच सात मिर्चें, कुटा हुआ डालना चाहिए जरा अच्छी खुशबू आ जाए। तो मेरी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है। माश और दूसरा मेथी और मैंने साथ सादी दही रखी है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप इसके साथ रोटी, तंदूर की रोटी खाएं और दूसरी रोटी चूल्हे की रोटी खाएं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर मज़ा आएगा खाने का। और इंशाल्लाह मुझे फॉलो करना और सब्सक्राइब देना और मुझे लाइक करना और अपनी दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी।